हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक डिश लेके आए हैं। तो आज हम करेंगे एग रोल, किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले हम परौंठा बेलेंगे, लेट्स सी। ज़्यादा टाइम नहीं बेचते हैं, हमेशा हमारे जो फ्रेंड्स से बोलते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज देखिए फटाफट मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें देखिए क्या है, परौंठा बेलेंगे और परौंठा बेलने के बाद एग कैसे इसका रोल बनता है वो सारी चीज़ें आपके सामने। तो आप इसको ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसको एक मीडियम साइज से, इसके किनारे खासकर जो है थोड़े से सही होने चाहिए परौंठे के, ज़्यादा मोटे रह जाते हैं मैक्सिमम लोगों से तो वो अच्छा नहीं रहता है। आप ये देखिए ये बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या है तो ये देखिए हम अभी इसको थोड़ा सा गैस को तेज कर लेते हैं और हमारा ये परौंठा जो है, ये देखिए पहले लो फ्लेम था, अभी हमने तेज कर लिया है और पहले हम परौंठा बनाएंगे उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई। तो अभी जैसे ही हो जाता है तो ये हम इसको, ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ये देख सकते हैं परौंठे को थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। ये देखिए अभी हमने इसको घी लगा दिया है, थोड़ा सा वन साइड से पकने दीजिए। ये देखिए अभी हम दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो इस प्रकार इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि परौंठे को थोड़ा सा नॉर्मल एक लेयर में होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, तभी आपको क्या है, अगर आप ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो आपका रोल अच्छे से नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं देख कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका आपके सामने है। साइडों से जरूर पकाएं इसको, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि सेंटर में हमेशा हीट जो है ज़्यादा रहती है और आप साइडों से इस प्रकार से इसको पिंच करें। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा परौंठा हो चुका है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा परौंठा बन चुका है। तो अभी हमने लिए हैं एग दो, और दो एग जो है हम इसको इसके अंदर बॉल के अंदर डाल लेंगे और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से फेंट लीजिए, तो थोड़ा सा फेंट लीजिए। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं, बिल्कुल लाइट सा नमक हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और अभी हम क्या है इसको अच्छे से फेंट लेंगे। एग को आप जितना अच्छे से चलाएंगे उसका झाग आएगा, तभी क्या है अच्छे से एक पकता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम तवे के ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा घी डालेंगे, नॉर्मल सा घी डालना है आपने, थोड़ा सा तवे को अच्छे से घी से मेल्ट कर लीजिए। इसके ऊपर डाल देंगे, ये देखिए एग को हम इसके ऊपर इस प्रकार से डाल दें। अब इसको चम्मच से थोड़ा सा फैला दीजिए, बस ज़्यादा नहीं इतना ही इसको रखिए, जितना आपका परौंठे का साइज है तकरीबन उतना ही कोशिश करिए इसको। 50% पकता है तो इसके ऊपर हम ये जो है परौंठा जो है इस प्रकार इसको चिपका देंगे ताकि अच्छे से वो इसके ऊपर चिपक जाए। अब हम हीट को कम कर देंगे और धीरे से इसको पकाएंगे। आप देखिए साइडों से पकाइए, क्योंकि साइडों से हमेशा जो है कच्चा रहता है। ओके फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं आप इसको ये पक चुका है और अभी हम इसको उतार लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं हमारा परौंठे के साथ जो है बिल्कुल जो है इसके साथ चिपक गया है। और अभी हम इसके ऊपर क्या है डालेंगे टमाटो सॉस, और टमाटो सॉस थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा रहता है। तो आप टमाटो सॉस को ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ले कर लीजिए। और अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, और प्याज को हो सकता है तो आप बिल्कुल जितना हो सकता है लंबा लंबा काटने से अच्छा है कि हल्का हल्का ब्रीक काटे, ताकि ये जो है खाने में आपको बाहर ना आए, आराम से आप इसको खा सकें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिल्ली, ये देख सकते हैं आप हरा हरा ग्रीन चिल्ली डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च, उसके बाद ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा शिमला मिर्च ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो, ये देखिए बिल्कुल कटा हुआ है छोटा छोटा टमाटो, और इसके अंदर थोड़ा सा टमाटो डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये हम चाट मसाला इस प्रकार से आपने डालना है, ज़्यादा नहीं जितना आपको ज़रूरत है। चाट मसाला हमने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा नमक, नमक का फ्लेवर जो है, ताकि हमने पहले भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया था एग के अंदर, अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा
नमक डाल रहे हैं बस। तो ये जो है आपका जो है एग रोल खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको इस प्रकार से जो है फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड रोल कर दिया है, और इसके ऊपर अभी आप टूथपिक लगा सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या है, आज का हमारा जो रेसिपी था वो था एग रोल। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, और जो हमारे दोस्त हमारे को लाइक करते हैं मैं उनसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बहुत ही टेस्टी है आप जरूर ट्राई करें नई नई चीज़ों को। हम भी आपसे सीखते हैं और कुछ आप लोग हमारे से सीखिए। तो लास्ट में मैं वही करना चाहूंगा, हमारा जो है एक फेवरेट डांस, तनक 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 तनक।